क्वेश्चन नंबर टू, कमला बोरोड रुपीज 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ टू क्लियर द लोन। देखिए यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई है या एक अलग चीज़ दी हुई है कि यहाँ पर 2 ईयर एंड 4 मंथ दिया हुआ है, तो इस 4 मंथ को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में, ठीक है। उसके बाद हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो 15% 2 ईयर के लिए रहेगा ही, तो अगर ये 1/3 हो जाएगा, 4/12 का मतलब 1/3 ईयर हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1/3 होगा। 1/3 का मतलब यहाँ पर 5% होगा, तो 2 पार्ट हो जाएगी। पहला पार्ट हो जाएगा 2 ईयर के लिए और दूसरा पार्ट हो जाएगा 4 मंथ के लिए। अगर इसको हम समझ लिए तो जैसा कि हम करते आए हैं 2.5 ईयर के लिए या 1.5 ईयर के लिए, सेम वैसा ही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हम पहले लिखते हैं कि प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो 26,400 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दी हुई है वो 15% दी हुई है पर एनम, और जो टाइम दिया हुआ है टाइम इज इक्वल टू 2 ओवर हम लिख सकते हैं 4/12, क्योंकि 2 ईयर 4 मंथ कह रहा है ना, तो ये हुआ ईयर्स, या इसको हम इस प्रकार से लिखें 2 ईयर प्लस 4 मंथ, 4 मंथ की जगह हम 1/3 ईयर लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी हम मार्क करेंगे क्योंकि अभी तक हम 1/2 ईयर का ही प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम हाफ कर देते थे। तो यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट इज इक्वल टू पी और 1 प्लस R/100, ये 2 ईयर के लिए होगा, ठीक है, टू द पावर n, लेकिन 1/3 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं इंटू, और 1 प्लस R की जगह हम लिखेंगे R/3 और इंटू 1/100, यानी ये जो सिंपल R लिखे थे यहाँ पर 1/3 हो जा रहा है ये, इसलिए R/3 लिख रहे हैं, जैसे कि हाफ ईयर के लिए हम लोग R/2 लिखते थे, या सीधे सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हम कम कर लेते थे, 2 रास्ते थे, और ये हमने क्लोज किया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते चलते हैं हम इसे। यहाँ पर हमने प्रिंसिपल अमाउंट रख दिया 26,400 और यहाँ पर 1 R जो है 15 है, तो 15/100 हमने लिया, और टू द पावर 2 ईयर के लिए है तो ये हमने 2 लिखा, और ये 1/3 ईयर के लिए यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 15/3 और इंटू 1/100। अब यहाँ देखिए 15 यानी कि 3/3 और ये हो जाएगा 20, यहाँ ये कट जाएगा 5 से, तो 5 फिर यहाँ पर 20 आएगा, दैट मीन्स ये 1/100 और ये यहाँ पर 3/100, तो यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ए इज इक्वल टू, ये तो 26,400 रहेगा ही इसको काटने के बाद, है ना, ये 1 और ये 3/20, तो लिख लेते हैं 1 प्लस 3/20 और इसी प्रकार से पावर 2 भी, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा कट पीट के, ये 5 जा 3 से और 5 से ये कटेगा, तो 20 दैट मीन 1/20, तो 1 प्लस 1/20, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 26,400 और ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में देखिए ये 20 प्लस 3, 23/20, तो यहाँ लिख लेते हैं 23/20 का पावर 2, और इस ब्रैकेट में ये 20 प्लस 1, 21/20, यहाँ लिख लिया हमने इंटू 21/20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 26, अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो 26,400 और यहाँ 23/20 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 21/20 का। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है रुपीज़ 36,659.70, ये हो गया अमाउंट 36,659.70, तो यही फाइनल रिजल्ट हुआ। तो हम कह सकते हैं, फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि कमला विल पे रुपीज़ 36,659.70 टू द बैंक।